नेक्स्ट एलिमेंट आता है ड्रामा का, डिक्शन। ये एक लिटरेरी डिवाइस है। किसी भी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए राइटर के द्वारा शब्दों के चुनाव करने को डिक्शन कहा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं किसी भी स्टोरी को इफेक्टिव वे में सुनाने के लिए ऑथर के शब्दों के चुनाव को डिक्शन कहते हैं। ऑथर के यही सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जब एक क्रिएटिव वे में अरेंज करता है वो, तो ये शब्द उस आर्टिस्ट का स्टाइल बन जाता है। लिटरेचर में ये शब्दों का चुनाव किसी भी करेक्टर के साथ में जुड़ा होता है, जो उस करेक्टर के आइडिया, वैल्यू और एटीट्यूड को प्रेजेंट करते हैं स्टोरी में। या फिर कह सकते हैं कि डिक्शन किसी भी करेक्टर का आउटर अपीयरेंस या इनर स्टेट ऑफ माइंड को रीडर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक प्ले में, जिसका नाम है पिग्मेलियन, उसमें प्रोफेसर हेनरी हैगन्स एलिजा डूलिटिल को अपर क्लास सोसाइटी की लैंग्वेज सिखाते हैं। इसमें सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही मैटर करता है। लिटरेचर में 8 कॉमन टाइप ऑफ डिक्शन बताई गई है। पहला आता है फॉर्मल डिक्शन। ये प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, इसमें लोकल या फैमिली वर्ड्स यूज नहीं करते। सेकंड टाइप ऑफ डिक्शन आती है इनफॉर्मल डिक्शन। ये कन्वर्सेशनल, कैजुअल, रियलिस्टिक लैंग्वेज होती है, जो नॉर्मली नॉवेल्स में या नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज की जाती है। थर्ड टाइप ऑफ डिक्शन आती है कोलोक्वियल। इसमें इनफॉर्मल वर्ड्स जो किसी खास जगह या टाइम से कनेक्टेड होते हैं, ऐसे वर्डों को करेक्टर के पोर्ट्रेट करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिक्शन आती है स्लैंग। ये कोई वर्ड्स या फ्रेज होते हैं जो किसी खास कल्चर में यूज होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिक्शन आती है पेरेंटिक। इसका मतलब होता है डिटेल्ड एकेडमिक राइटिंग, मतलब इनमें एजुकेटेड वर्ड्स का यूज होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिक्शन आती है एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है किसी आइडिया या इमोशन का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिक्शन आती है कॉन्क्रीट। इसमें डेनोटेटिव मीनिंग होती है। ये स्पेसिफिक और लिटरल होती है, मतलब इसमें शब्दों में कोई छुपी मीनिंग नहीं होती, इंटरप्रिटेशन आसान होती है इसकी। नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ डिक्शन होती है पोएटिक। लिरिकल वर्डिंग होती है इसमें, मतलब वर्ड्स में रिदम और राइम होती है।